हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में आपका फिर से स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है वो 9th क्लास के लिए बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर में आप लोग पिछला चैप्टर जो आपने पढ़ा था उसके अंदर हमने मोशन का टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी बॉडी मोशन में होती है तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से कोई बॉडी मूव कर पाती है। तो इस चैप्टर को बड़ा डिटेल में और बड़ी आसान लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को समझाऊंगा और आपको भी इसी लगन के साथ पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, हमें क्या पढ़ना, फोर्स और मोशन के लॉज क्या क्या हैं, किन किन प्रिंसिपल पे, लॉज पे, कंसेप्ट पे मोशन हमारा बॉडी का प्रोसीड करता है, वो चीजें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास फोर्स, डू यू मीन बाई फोर्स, फोर्स क्या चीज होती है, समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं इस बोर्ड को ऐसे क्या कर रहा हूं, धकेल रहा हूं, तो क्या मैंने इस पे फोर्स लगाई, आंसर होगा यस। आप लोग क्या करते हो, पास में कोई टेबल रखी हुई है, आपको आपके पेरेंट्स बोल रहे टेबल को इधर ले आओ, तो उसको खींच के या उठा करके लेके आते हैं, तो वहां पे भी हमने क्या किया है, फोर्स लगाई है। एकदम से हम चल रहे होते हैं, पीछे से कोई बच्चा दौड़ के आता है और आपको ऐसे एकदम धक्का देता है, तो आपको कुछ चीज फील होती है, आपको एक चीज फील होगी अपने ऊपर, वो भी क्या है, फोर्स है। तो ये तरीके से और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो फोर्स सिंपली क्या है, एक एफर्ट है, फोर्स इज एन एफर्ट, जो करता क्या, अब वो चीजें देखते। आप एक एग्जांपल लो, तो भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। इस बुक के ऊपर ये डस्टर रखा हुआ है, ठीक है, और ध्यान से समझना बेटा, मैंने अपने हाथ से इस मार्कर से इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो, आपके पास कोई चीज होगी तो आपने क्या किया, अपने हाथ से एफर्ट किया है, यस और नो, आंसर होगा यस। तो उसी एफर्ट को हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स। अब इस केस में क्या हुआ, ये बॉडी, ये डस्टर जो रेस्ट पे था, इस मार्कर ने जो आपकी फोर्स है उसने इसको मोशन में ले आया। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। दूसरा, ये दीवार या ये बोर्ड भी क्या है, रेस्ट में है, अब मैं इसको धकेलता हूं, तो क्या मैं इसको धकेल पा रहा हूं, आंसर होगा नहीं। पर मैंने इस दीवार जो कि रेस्ट पे थी उसको मोशन में ले आने की कोशिश की, ट्राई किया, ये अलग बात है कि ये मूव या इसको मोशन रिसीव नहीं हुआ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फोर्स एक एफर्ट हो गया जो किसी बॉडी की रेस्ट की स्टेट को चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे। तो ये डेफिनेशन फर्स्ट पार्ट हो गया। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं, मूवीज में दिखाते हैं ना, आप एक सिंपल सी चीज देखो, आगे से आपका एक फ्रेंड साइकिल चला के आ रहा हो, आप उसके हैंडल को ऐसे पकड़ के और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद उसको रोक लेते हो, क्लियर है। तो आपने क्या किया, एक मूविंग बॉडी जो मोशन में थी उसको स्लो डाउन करके रेस्ट में ले आए, क्लियर है। दूसरा एग्जांपल ले लो, क्रिकेट खेलते हो गए, ऐसे कटाप कटाप कोर्ट लगाते हैं चौके छक्के, तो उसके अंदर क्या होता है, अब आप कोई दूसरा खेल रहा है और आप बड़े अच्छे प्लेयर हो और कच्ची सी गेंद हवा में उड़ती हुई और आपने अच्छे से कैच कर लिया, अब मेरे को एक
चीज बताओ जो बॉल आ रही थी क्या उसके पास फोर्स थी, उसके पास एनर्जी थी, बैट्समैन ने उसको फोर्स के साथ हिट किया। अब आपने क्या किया, उसकी स्पीड को स्लो डाउन करके रोक लिया अपने हाथ में। तो इस केस में भी आपने क्या किया है, हमने एक मूविंग बॉडी को रेस्ट में लेके आए सॉरी थर्ड में चलता हूं मैं। अब बात करो आपकी तरफ कितना भारी था पत्थर कोई ऊपर से फेंक दे, आप कैच कर पाओगे, आंसर होगा नहीं। ये वो पुराने मूवीज में दिखा देते हैं, वो एक बड़ी सी बस या जीप वगैरह के सामने वो हीरो ऐसे रोक लेता है, वो पीछे से रस्सी वगैरह बांध के होता है। आप इसकी सोच के देखो, बड़ा सा पत्थर आ रहा है तो क्या आप उसको रोक पाओगे, कौन सा आपका हो सकता है? नो। पर आप ट्राई तो उस केस में भी कर रहे हो, कौन सा हो जाएगा ये? तो फोर्स तो कैसे डिफाइन करोगे, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट फॉर्म में बेटा, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, धकेला भी जा सकता है, खींचा भी जा सकता है। अब एक चीज मुझे बताओ, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, एक का मतलब धकेलना, एक का मतलब खींचना। सॉरी आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में आपने पॉइंट्री जब सुनी होगी तो ये देखते हैं कि बैट्समैन ने हल्के से बॉल को पुश कर दिया, धकेल दिया। हिंदी पॉइंट्री कर रही होगी तो धकेलना बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको पुश करना बोलते हैं। तो दोनों में से एक और गाइड आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, जब भी दो चीजें एक जैसे और उल्टे मीनिंग की हों तो उनमें से दोनों के मीनिंग मत याद करो, मतलब फिर सट्टा मत लगाओ, याद तो दोनों के होंगे। करना क्या है, एक का याद करो पक्का, दूसरा उससे उल्टा, इस तरीके से याद करो। अब मैं इसको याद कर लेता हूं, उसका मतलब क्या होगा, धकेलना। बता क्यों ना हूं बेटा, क्योंकि हर पॉइंट गलती के चांस ना हो, मुझे पता है कि बच्चा कहां कहां गलती करता है। तो इसका मतलब आपने नाम कर लिया धकेलना, तो इसका मतलब क्या होता है, खींचना। अब आपको दोनों याद नहीं करने, दोनों याद कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर कंफ्यूजन रहता है तो एक को याद करो। तो मान लिया हमने इस वाले को लर्न कर दिया, मीनिंग वैसे तो दोनों लिख रहे हैं यहाँ पे डेफिनेशन में, जो क्या करती है, विच फर्स्ट चेंजेस द स्टेट changes or try to change the state of rest of body, body की जो rest वाली state है उसको change कर दे। एक second रुके बेटा, second क्या हो जाएगा बेटा, चेंजेज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, कोई बॉडी है मोशन की स्टेट में, उसको चेंज करना या चेंज करने की कोशिश करना। तीसरा केस देख लेते हैं, तीसरा फोर्स का काम क्या होता है, तीसरा फोर्स का काम होता है बेटा किसी बॉडी की शेप को चेंज करना। शेप कैसे, आप लोग आप घरों में मम्मी वगैरह जो होती हैं उनको देखा होगा, आटा गूंथते हैं, गीले आटा या गीली मिट्टी पर आप अपना ऐसे हाथ का निशान लगाओगे तो क्या उसकी शेप चेंज हो जाती है या नहीं हो जाती, तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल चेंज हो जाती है। जैसे वो आटे की लोई बनाते हैं, उस पर बेलन से क्या कर देते हैं, उसकी चपाती बना देते हैं गोल गोल, तो क्या हो रही है, फोर्स लगा के शेप चेंज हो रही है। क्लियर है, किसी केस में शेप चेंज ना भी हो,
अब इस मुक्के से आप इस बोर्ड की शेप चेंज करने लग जाओगे, देखिए इस बार का घूम रहे तो इसकी शेप में चेंज नहीं हो रहा। अगली बात आपको और ध्यान रखनी है बेटा, दो अलग केस है कि आप फोर्स कितनी लगा रहे हो और उसका इफेक्ट कितना है। अगर यहीं पे जेसीबी लेके आए और खुद से इस पे फोर्स लगाए तो इसकी शेप आप समझ सकते हो कैसी हो, तो डिपेंड करेगा फोर्स पे और देखना उसका रिजल्ट कि वो चेंज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो थर्ड बन जाएगा चेंजेस फॉर ट्राई टू चेंज द शेप ऑफ ए बात कर लेते हैं। एक पॉइंट बच गया हमारा साइज का और एक बच गया डायरेक्शन का। आप लोगों ने देखा होगा हाईवे वगैरह पे कई बार रोड एक्सीडेंट और स्पीड की वजह से व्हीकल क्या होता है, इंबैलेंस होकर साइड में डिवाइडर से टकरा गया और फिर डिवाइडर क्या करेगा उसका मुंह पता नहीं जो व्हीकल है किस साइड होगा, तो वहां पे भी क्या हो रहा है फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज हो गई। और देख सकते हो आप साइकिल चलाते हो एकदम से टर्न आया आपने एंगल को ऐसे रोटेट कर दिया यानी फोर्स लगाई तो साइकिल की डायरेक्शन चेंज हो गई, सेम बाइक के लिए या अगर कार की बात करें तो उसके लिए। तो डायरेक्शन को चेंज करना या दूसरा केस देखते हैं, स्पीड कई बार मान लिया बहुत ज्यादा है, कुछ ड्राइवर तो आपने देखे होंगे कि उसने एकदम से तेज टर्न आ गाड़ी का हैंडल तो रोटेट किया पर गाड़ी जो इतनी रोटेट नहीं हो पाई, तो वहां पे उसने ट्राई तो की पर प्रॉपर रोटेट नहीं हो पाई, ठीक है, या कोई हैवी चीज है। अब एक बाइक से आप ट्रक की डायरेक्शन को चेंज करने लग जाओ, इधर से ट्रक आ रहा है आपने ऐसे बाइक से पोर्ट लगाया, चेंज कर पाओगे आंसर होगा नहीं, बाइक से बाइक की हो सकती है पर ऐसे करना ना करें। तो डायरेक्शन तीनों इकट्ठी रहती है तो यहाँ पे ये लिख लेना डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोर्ड, क्लियर है, फोर्थ चेंजेस टू ट्राई टू चेंज द शेप ऑफ और फिफ्थ पॉइंट आपने एक रबड़ बैंड देखा होगा ये बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो एकदम फूल के बड़ा हो जाता है, तो वहां पे हमने फोर्स लगाई रबड़ को खींचा तो उससे भी क्या हो रहा है रबड़ बैंड को खींचे तो उसका साइज क्या है चेंज हो जाता है साइज और शेप। तो इस पॉइंट को आप इकट्ठा लिख सकते हो या अलग लिख सकते हो, इकट्ठा ही लिख लेते हैं शेप एंड साइज ऑफ। तो वो एफर्ट बेटा एक्सटर्नल रहने देना, सीधा लिखना इट इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट द स्टेट ऑफ मोशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से होती है वो कौन सी है फोर्स है हमारे। अब नेक्स्ट टॉपिक डील करते हैं टाइम तो हो टू कैटेगरीज हैं बेसिकली सॉरी बेटा देखो मैं दो केस सिंपल सी बात स्टार्ट करूंगा और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक टाइप की फोर्स आती है फर्स्ट है बैलेंस
कौन सा है, बैलेंस फोर्सेस। और दूसरा मैं नाम लिख लेता हूं अनबैलेंस, अनबैलेंस जो बैलेंस नहीं है उनको हम क्या बोल देंगे, अनबैलेंस। एक चीज समझो आप, क्या आप लोगों ने गेम खेलना होगा कि मैं बॉल को, बास्केट बॉल या कोई भी फुटबॉल टाइप बॉल को हाथ में लेके भागना होता है, एक टीम इधर से लेके भागे तो दूसरे गोल में फेंक के आना होता है। अब उस गेम के अंदर होता क्या, जैसे मैं लेके भागा हुआ हूँ तो दूसरी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो क्या है, उस बॉल को छीनने की कोशिश करेंगे तो आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। अब जैसे मैं बॉल ऐसे होल्ड कर रखी और उस पर 5-6 इकट्ठे लगे हुए हैं, अब ध्यान से समझना क्या वहां पे 5 आदमी हैं और उस स्टेट की बात कर रहा हूँ कि बॉल फिक्स है, हिल नहीं पा रही, किसी के पास भी नहीं गई, एक जगह में यहाँ लेके खड़ा हुआ हूँ और 5 के 5 यूं के यूं 4 और हैं, एक 5 ऐसे लगे हुए हैं, तो क्या वहां पे 5 फोर्स लग रही है, आंसर होगा यस। पर उन 5 फोर्स के लगने के बाद बॉल किसी डायरेक्शन में मूव हुई, बॉल उसी जगह पे फिक्स है, उसकी पोजिशन में चेंज नहीं हुआ, इट मीन्स उसका मोशन 0। तो जब भी कभी नंबर ऑफ फोर्सेस, बहुत सारी फोर्स का टोटल 0 आ जाए, टोटल 0 आ जाए तो उन फोर्सेस को क्या बोलेंगे, बैलेंस। क्लियर होगा, आई होप आराम से हो गया होगा। दूसरा अब बात करता हूं कि अब उसमें जरूरी नहीं दूसरी के कुछ मेरी टीम के भी होंगे, मैं तो अपनी टीम को जिताऊंगा दूसरे को थोड़ा ना, उन 5 में से 3 दूसरी टीम के थे, 2 हमारी टीम के थे, मैं और एक साथ, तो मेरा एक साथी था उसने उस बॉल को लेके छीन के और निकल गया, तो इट में सब यहाँ पे क्या हो, 5 फोर्स थी और जो मेरे साथी की फोर्स थी, फ्रेंड की फोर्स थी, वो उन 4ों के इफेक्ट से ज्यादा हो गई और जितनी ज्यादा हुई तो उसके पास बॉल चली गई। तो आंसर यहाँ से क्या निकला कि 5 फोर्स का रिजल्ट 0 नहीं है, कुछ रिजल्ट निकल के आया जिसकी वजह से वो बॉल जो 5वां फ्रेंड था, 5वां व्यक्ति था लेके चला गया। तो यहाँ पे 5 फोर्स का जो रिजल्ट है वो 0 नहीं आया। तो जब भी कभी नंबर ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट या टोटल 0 ना आए तो उसे क्या बोलते हैं, अनबैलेंस। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वो टग ऑफ वार का गेम देखा होगा, एक टीम किधर से लगी पड़ी है, एक उधर से, जो पूरे लास्ट वाला तो बिल्कुल लेटने को हो जाता है, पता नहीं कपड़ों का क्या होता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, एंजॉय भी किया होगा। अब बीच में कपड़ा बंधा होता है और एक लाइन होती है, अब दोनों तरफ से टीमें कैंडिडेट खींच रहे हैं, अब वो कपड़ा बिल्कुल लाइन के ऊपर है, अब सोच के देखो 5 इधर है 5 इधर है तो 5 और 5 की टोटल 10 फोर्स लग रही है, सॉरी, अब उन सभी फोर्सेस का टोटल कितना आ रहा है, वो बिल्कुल एक ही जगह है तो टोटल आ रहा है 0, तो कौन सी फोर्स है, बैलेंस फोर्स। क्लियर है। अब कुछ टाइम तक गेम चला, एक टीम के खिलाड़ी थक गए, दूसरों में एनर्जी थी, तो उन्होंने क्या किया, उसको खींच कर रस्सी को अपनी तरफ, फिर कहोगे सर चीटिंग कर रहे हो, हमेशा अपने आप को जिता रहे हो, हमेशा खुद को जिताना सीखो, कम से कम मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो गए जीत के लिए, नहीं एक पॉजिटिव वे के साथ एनर्जेटिक रहो जिताने की, तो कभी लाइफ में चीजें अच्छी होती जाएंगी। तो हमने उसको खींचा और वो जो कपड़ा था वो हमारी तरफ आ गया, खींच वो भी रहे हैं हम भी, वो कब हमारी तरफ आया, जब उन 5 की फोर्स से हमारे 5 की फोर्स ज्यादा हो, तो इस केस में बैलेंस या टोटल इफेक्ट आ रहा है, हमारे पास कुछ टोटल आउटपुट आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाए उन वालों से, तो इस केस में सभी का जो रिजल्ट है वो क्या है, नॉन जीरो। क्लियर है। और ये फोर्स कौन सी होंगी, अनबैलेंस। तो क्या हो जाएगा बेटा, इफ देखो जो ये ऑब्जेक्ट वर्ड तो ये होता है रिजल्टेंट, जो फाइनल रिजल्ट आता है या
टोटल लिख सकते हो आप, टोटल हो नंबर ऑफ कोर्सेज, नंबर ऑफ कोर्सेज का रिजल्टेंट क्या है, इज जीरो, देन रिजल्टेंट यहां पे एक वर्ड लिखो टोटल इफेक्ट लिखो, देन दीज कोर्सेज, एक सिंगल कोर्स नहीं है, एक से ज्यादा कोर्स है, आर कोल्ड बैलेंस हो, क्या हो रहा है बैलेंस हो, एग्जाम्पल एक बॉक्स है, चॉकलेट बॉक्स है, और आप दो भाई भाई या दो भाई बहन जैसे भी लगा सकते हो, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, ये इधर कितनी वैल्यू से, पांच यूनिट से, और ये भी कितनी से, पांच यूनिट से, तो क्या ये हिल पाएगा, एक इधर रहेगा, तो इन दोनों फोर्स का टोटल इफेक्ट वो क्या होगा, जीरो आ जाएगा। तो ये कैसी फोर्स है, बैलेंस, क्लियर बेटा, आंसर होना चाहिए ये। अब सेकंड देखेंगे, अनबैलेंस फोर्स, इफ रिजल्टेंट और टोटल इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ फोर्स इज नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब तो जीरो ना हो, देन दिस फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। एग्जांपल देखते हैं, ये वाला पांच यूनिट, ये वाला पांच यूनिट, अब इस वाले ने लगा दी सेवन यूनिट को, मैंने लगा दी सात यूनिट को, तो चॉकलेट का वो किसका, मेरा, तो ताकत भी आप लोगों की काम करेगी, तो सेवन टोटल इफेक्ट कितना हुआ, सेवन माइनस फाइव टू यूनिट, दैट इज नॉन जीरो। तो इस केस में जो फोर्स हुई वो कौन सी है, इसका मतलब क्या हुआ, अनबैलेंस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, आई होप आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नया कंसेप्ट की मोशन के अंदर और क्या नई बात आती है, और नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।